हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बजट ट्रैवलर। आज हम जा रहे हैं पठानकोट से डलहौजी और उसके बाद खजियार। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रोड कंडीशन कैसी हैं, कितना समय लगेगा और रास्ते में क्या क्या आने वाला है। ये सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। पठानकोट से डलहौजी की दूरी है 80 किलोमीटर। ट्रैवलिंग टाइम बाय कार 2.5 घंटे का है। पठानकोट से धारकलना तक रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है और ये मैदानी इलाका है तो आपको गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पठानकोट से 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमें आसपास पहाड़ दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इस समय हम पहुंच चुके हैं धारकला, जो कि पंजाब में ही पड़ता है और पठानकोट से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। धारकला क्रॉस करते ही हमें लेफ्ट साइड में बहुत ही शानदार दृश्य दिखाई देना शुरू हो जाता है, जहां पर रोड अंडर कंस्ट्रक्शन में है पर आपको कम ट्रैफिक के कारण गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इस समय हम नेशनल हाईवे 154 पर हैं, जो कि पठानकोट चक्की से शुरू होता है और बनीखेत, चंबा और भरमौर को कनेक्ट करता है। धारकला से दुनेरा तक रोड की कंडीशन थोड़ी खराब है तो आपकी गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। इस समय हम पहुंच चुके हैं दुनेरा, जो कि अपने खट्टे मीठे आम पापड़ के लिए ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। दुनेरा क्रॉस करते ही एक जगह पर हमने गाड़ी की स्पीड बहुत ही ज्यादा कम की, क्योंकि रोड बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज था। अगर आप इस जगह पर संभल कर गाड़ी नहीं चलाएंगे तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी डैमेज होने वाली है। इस समय हम हिमाचल में हैं। पंजाब के कंपैरिजन में रोड की कंडीशन अच्छी है। इस समय हम कटोरी बंगला में हैं और हम 50 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। ये दूरी हमने लगभग 1.5 घंटे में तय की है और जहां से डलहौजी की दूरी है 30 किलोमीटर। अगर आपने इससे पहले कभी पहाड़ों में ड्राइव नहीं किया तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैं भी पहली बार पहाड़ों में अपनी गाड़ी ड्राइव करके जा रहा हूं। बस आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आपकी नजर रोड पर रहे, ना कि इधर उधर। इस समय हम पहुंच चुके हैं हिमाचल एंट्री टोल बैरियर पर। ये वन साइड टोल बैरियर है। इस समय हम पहुंच चुके हैं तुनुहट्टी, हिमाचल प्रदेश। पठानकोट से तुनुहट्टी की दूरी है 55 किलोमीटर। तुनुहट्टी क्रॉस करने के बाद हिमाचल के पेट्रोल पंप से हमने पेट्रोल फिल करवाया, जहां पर पेट्रोल पंजाब के कंपेरेटिवली 5 रुपीज पर लीटर सस्ता है। जैसे जैसे हम डलहौजी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे पहाड़ों का व्यू निखर कर सामने आ रहा है। इस समय हम पहुंच चुके हैं हिमाचल के नैनीगढ़ में। हमने तय कर ली है 60 किलोमीटर की दूरी, जहां से डलहौजी की दूरी है 20 किलोमीटर। इस समय तक हमने जितना भी रोड तय किया है, कुछ टुकड़ों को छोड़कर रोड की कंडीशन बहुत ही अच्छी मिली है। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो गाड़ी साइड पर रोककर आप फोटोग्राफी भी जरूर करिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पहाड़ों पर गाड़ी चलाते हुए आपको बहुत ही ज्यादा फोकस रहने की जरूरत है।
जहाँ पर आने वाले पर्यटक अक्सर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और उन पर बने हुए घरों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इस समय तक हमने तय कर ली है 70 किलोमीटर की दूरी। अब हम डलोजी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इस समय हम पहुंच चुके हैं टोल बैरियर पर, जहां पर एंट्री फीस ₹15 है। इस समय हम पहुंचने वाले हैं बनीखेत, जहां से बनीखेत की दूरी है 2 किलोमीटर। इस समय हम पहुंच चुके हैं बनीखेत, जहां से डलहौजी की दूरी है 6 किलोमीटर। बनीखेत में भी आपको रुकने के लिए काफी सारे होटल मिल जाएंगे। बनीखेत का नाग मंदिर और ज्वाला माता मंदिर भी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। इस समय हम जा रहे हैं बनीखेत से डलहौजी की ओर। नेशनल हाईवे के कंपैरिजन में ये रोड कम चौड़ा है। इस समय हम पहुंच चुके हैं डलहौजी के बस स्टैंड पर। खजियार जाने के लिए हमें जहां से राइट साइड पे टर्न लेना है। जहां पर रोड बहुत ही कम चौड़ा है, तो आपको जहां पर बहुत ही संभल कर गाड़ी चलानी है। अब हम पहुंच चुके हैं डलहौजी के सुभाष चौक पर। खजियार जाने के लिए आपको गाड़ी को लेफ्ट साइड पे मोड़ना है।